हेलो फ्रेंड्स, मैं उषा पिकर कुक के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी की पकोड़े की रेसिपी। बारिश के मौसम में पकोड़े खाना सभी को पसंद होता है, तो मैंने इसे बहुत ही कुरकुरी क्रंची बनाकर तैयार की है। तो आइए देखते हैं मैंने लौकी की पकौड़ी कैसे बनाई है, चटपटी, और साथ में इंग्रेडिएंट भी देख लेंगे। तो लौकी की पकौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक लौकी लेंगे। तो मैंने यहाँ पर मीडियम साइज की लौकी ली है और ये बहुत ही सॉफ्ट लौकी है। आप चाहें तो इससे बड़ी भी लौकी ले सकते हैं। और इसके हेड को हम पहले काट लेंगे चाकू से और इसके छिलके को अच्छे से पिल कर लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट लौकी है ये। तो सारे छिलकों को मैंने यहाँ पर पिल कर लिया है और इसे क्या करेंगे, छिलकों को साइड में करने के बाद हम इसे गोल सर्कल में काट लेंगे पकोड़े बनाने के लिए। तो हमें इसके ज़्यादा मोटे सर्कल राउंड में शेप नहीं काटने हैं, नहीं तो ये कुक जल्दी नहीं होंगे पकोड़े, और ना ज़्यादा बारीक इसको हमें काटना है। मीडियम साइज का हम इसे काट कर यहाँ पर ले लेते हैं सारी लौकी के पीसेस को। तो मैंने यहाँ पर सारे लौकी को काट लिया है और मैं क्या करूँगी, अभी इसे एक पानी से वॉश करूँगी अच्छे से, क्योंकि अभी हमने इसके छिलके को पिल करके काटा है। तो मैंने यहाँ पर लौकी को अच्छे से धोकर ले लिया है। तो अब हमें पकोड़े बनाना है, तो अब हम लेंगे यहाँ पर बेसन। तो मैंने लिया है एक कटोरी बेसन और साथ में चावल का आटा, एक चम्मच मैंने लिया है अमचूर पाउडर, और यहाँ पर दो चम्मच मैंने अदरक लहसुन और मिर्च को अच्छा दरदरा कूट कर ले लिया। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी लगेगा पकौड़े में। तो सबसे पहले लेंगे एक बड़ा बर्तन। तो मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज के बर्तन को ले लिया है और अब मैं इसमें डालूंगी ये बेसन। तो मैंने एक कटोरी ही बेसन का यूज़ किया है यहाँ पर, और साथ में अब इसमें हम डालेंगे चावल का आटा। तो फ्रेंड्स, लौकी के पकौड़ी में चावल का आटा डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे हमारे लौकी की जब पकौड़ी बनेगी तो बहुत ही क्रंची और कुरकुरी बनकर तैयार होती है। इसलिए मैंने यहाँ पर 2.5 चम्मच के करीब ये चावल का आटा डाला है और मैंने इस चावल के आटे को मिक्सी जार में डालकर घर पे ही पीस कर तैयार किया है। साथ में अब टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक ऐड कर लेते हैं और अब इसमें हम ऐड कर लेंगे 1 चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च। आप चाहें तो इसमें गरम मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कोई भी मसाले को पकोड़े बनाने में यूज़ नहीं किया है। और अब मैं डालूंगी अमचूर पाउडर। आप चाहें तो इसकी जगह चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अमचूर पाउडर डालने से पकोड़े हमारे थोड़े खट्टे बनकर तैयार होंगे। और अब डाल देते हैं इसमें लहसुन, मिर्ची और अदरक का पेस्ट। इससे पकौड़े में बहुत ही गजब का फ्लेवर आने वाला है। तो अब क्या करेंगे कि विस्कर की मदद से अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट को मिक्स कर लेंगे ताकि आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए बेसन के साथ में। तो मैंने यहाँ पर, आप देख पा रहे होंगे, अच्छे से मिक्स कर रही हूँ सारे इंग्रेडिएंट को, और सारे इंग्रेडिएंट को मैंने यहाँ पर मिक्स करके ले लिया है। और अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच के करीब ये रिफाइंड ऑयल है, और साथ में अब हम डालेंगे इसमें 1/2 छोटी चम्मच के करीब बेकिंग सोडा। इससे हमारे पकौड़े अच्छे से फूले फूले बनकर तैयार होंगे। और सारे इंग्रेडिएंट को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसका बना लेते हैं एक बैटर। तो इस तरीके से थोड़े थोड़े पानी डालकर हम बेसन को अच्छे से घोल लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े। एक साथ में अगर हम पानी इसमें ऐड करेंगे तो लम्स पड़ जाएंगे, इसलिए थोड़े थोड़े हम इसमें पानी डालकर इसे विस्कर की मदद से अच्छे से चलाते हुए इसका एक घोल तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने बेसन का अच्छे से घोल तैयार कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे कि जो हमने यहाँ पर लौकी को अच्छे से धोकर लिया है, इसे इस तरीके से एक एक डाल देंगे। इसमें हमें डिप करना है इस बेसन के में। इस तरीके से सारे लौकी के हम पीसेस को हम डाल लेंगे ये बेसन के घोल में। आप चाहें तो एक एक करके भी डालकर कढ़ाई में डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 8-10 पीस को डाल दिया है और इस तरीके से मैं चम्मच से निकालकर ही ऑयल में डालूंगी पकोड़े बनाने के लिए। और कढ़ाई में मैंने पहले से चढ़ा दिया था ऑयल गर्म होने के लिए। तो ऑयल भी आप देख पा रहे होंगे अच्छा गर्म हो चुका है यहाँ पर। तो थोड़ा सा बैटर डालकर चेक कर लेते हैं कि पकोड़े बनाने के लिए रेडी हुई है नहीं हमारी ये ऑयल। तो यहाँ पर हमारे जो तेल हैं अच्छे से रेडी हो चुके हैं पकोड़े बनाने के लिए। तो अब मैं क्या करूँगी, चम्मच से ही एक एक पीस को उठाकर यहाँ पर मैं डालूँगी लौकी के। और आप देख पा रहे होंगे अच्छे से ये तेल में डालने के बाद ऊपर आ जा रहे हैं, तेल में तैरने लग रहे हैं, ये देख पा रहे होंगे आप। और बहुत ही चटपटी बनती है लौकी की पकौड़ी। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़ा आता है। और बारिश के मौसम में
पकोड़े सभी के घर में बनाई जाती है अलग अलग तरीकों से, तो मैंने सोचा आज बारिश के मौसम में ये लौकी की पकोड़े बनाए जाए। और आप इसे किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो सारे लौकी के पकोड़े को मैं एक एक करके कढ़ाई में डाल दूंगी। तो मैंने यहाँ पर पकोड़े को बनाने के लिए ये मूंगफली का तेल यूज़ किया है फ्रेंड्स। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास ये मूंगफली का ऑयल था, तो मैंने मूंगफली के ही तेल में पकोड़ों को बनाया है। और डालने के बाद, एक साइड सिकने के बाद, हम इसे दूसरी साइड पलट लेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कितने अच्छे से ये पकोड़े हमारे फूल चुके हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है ये पकौड़ी, आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। और बहुत ही फूले फूले बने हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो इसे दूसरे साइड भी अच्छे से हम सीकने देंगे लो मीडियम फ्लेम पर। तो दूसरे साइड भी लगभग यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अच्छे से क्रंची क्रिस्पी बनकर तैयार हो चुके हैं पकौड़े। दोनों साइड अच्छे से सीक चुका है। तो अब मैं इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लेती हूँ, और इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है ये कढ़ाई में हम छोड़ देंगे। आप चाहें तो टिश्यू पेपर में भी पकौड़ों को रख सकते हैं। तो मेरे पास टिश्यू पेपर नहीं है, तो मैंने इसी तरीके से प्लेट में इसे निकाल लिया है। और यहाँ पर लौकी भी अच्छे से पक चुकी है। आप लो मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे तो अच्छे से पक जाएगी लौकी भी। और दूसरे राउंड के भी पकौड़े को हम इसी तरीके से बना लेंगे, ऑयल में डाल देंगे एक एक करके चम्मच से। और आप चाहें तो हाथ से भी डाल सकते हैं। तो मैं अक्सर पकोड़ों बनाने के लिए चम्मच का ही यूज़ करती हूँ, मुझे हाथों से डालना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं चम्मच से ही डाल रही हूँ। तो आपको जैसे अच्छा लगे आप उस तरीके से पकोड़ों को बना सकते हैं लौकी के। तो दूसरे राउंड के भी मैंने यहाँ पर पकोड़ों को डाल दिया है कढ़ाई के अंदर, और इन्हें भी दोनों साइड सिकने तक हम अच्छे से पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पर ही। तो दूसरे राउंड के भी पकोड़े यहाँ पर लगभग हमारे बन चुके हैं, और सारे पकोड़ों को मैं निकाल लूँगी। और इसी तरीके से मैंने सारे पकोड़ों को यहाँ पर बनाकर ले लिया है, और खाने में यकीन माने बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए पकोड़े हमारे बनकर यहाँ पर एकदम तैयार हो गए हैं, और मैं इसे तोड़कर दिखाती हूँ फ्रेंड्स। देखिए कितने ये क्रंची क्रिस्पी बने हैं, और लौकी भी यहाँ पर अच्छे से कुक हो चुकी है। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे कितनी अच्छी क्रिंची क्रंची क्रिस्पी बनकर यहाँ पर पकोड़े हमारे तैयार हुए हैं। आप इसे किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट से ज़रूर करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं।